आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में, बिकॉज अभी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट कोरोना, ये हम सबको पता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू फाइट डिजीजेस। इम्यूनिटी सिस्टम आपकी बॉडी के चारों ओर एक सर्कल की तरह रहता है और रोग से, डिजीजेस से आपको प्रोटेक्ट करता है। बट हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट आवर इम्यूनिटी सिस्टम इज हाई और लो? इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी खांसी जुकाम है या फिर आप हमेशा बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं और टमी रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, या फिर थोड़ा सा लाइफ में चेंज होता है और आपकी बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही लो है। सो नाउ द मेन थिंग इज, हाउ कैन वी बूस्ट आवर इम्यूनिटी? मैं अभी आप लोगों के साथ सम टिप्स शेयर करूंगी, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला है। बिकॉज मेरी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही लो था, सर्दी खांसी जुकाम तो था ही और ऊपर से बचपन से मुझे एस्मा है, तो आप तो समझ ही रहे होंगे कि मेरे ऊपर क्या बीती है। तो जो जो चीजें फॉलो करके मुझे अच्छा रिजल्ट मिले हैं या फिर मिलते हैं अभी भी, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर लॉट ऑफ विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स होता है, स्पेशली विटामिन ए एंड विटामिन सी, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर हाई मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को भी इंक्रीज करता है। नंबर टू इज, स्टे हाइड्रेटेड ऑल टाइम। देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वी ऑल नो दैट। जैसे कि वेट लॉस में हेल्प करता है, आपकी स्किन डेवलप होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बेटर एक्सरसाइज में हेल्प करता है, फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट होने में भी हेल्प करता है, और ये आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करके आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सारे टॉक्सिन्स है उसको फ्लश आउट करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, वाटर हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और ये लिम्फ हमारी बॉडी के चारों ओर व्हाइट ब्लड सेल्स क्रिएट करके हमारी बॉडी को इलनेस से फाइट करने में हेल्प करता है। नंबर थ्री इज, ईट योगर्ट। योगर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। योगर्ट के अंदर लैक्टोबैसिलस होता है, अ प्रोबायोटिक विच इज अ गुड बैक्टीरिया, ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो एक हेल्दी डाइट आप जरूर मेंटेन करें और उसके साथ योगर्ट को आपकी डाइट में जरूर शामिल करें, इससे आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ही हाई होगा। नंबर फोर इज, एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक्सरसाइज हमारी सेहत के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक्सरसाइज करने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सारे बैड टॉक्सिन्स है वो भी फ्लश आउट होता है और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भी ग्रो होता है। नाउ स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हम इसको टोटली इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वी कैन ट्राई टू कंट्रोल इट, है ना, ये हमारे हाथ में है, और किसी भी हाल में ये स्ट्रेस लेवल को हमें रिड्यूस करनी ही है, ट्राई करनी ही है, बिकॉज लॉन्ग टर्म स्ट्रेस प्रोमोट इन्फ्लेमेशन एज वेल एज इम्बैलेंस इन इम्यून सिस्टम। तो अगर हमें इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करनी है तो स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, मेनली ये फाइव पॉइंट्स के साथ, मेंटेन अ हेल्दी डाइट, गेट एनफ स्लीप, रिड्यूस शुगर इनटेक, अवॉइड एल्कोहल, एंड साथ ही साथ काढ़ा का सेवन। काढ़ा का रेसिपी ऑलरेडी मेरी चैनल में है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप ये फाइव पॉइंट्स को मेंटेन करने के साथ साथ ये भी मेंटेन करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम डेफिनेटली इंक्रीज होगा। सो गाइज, आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो यू कैन नोटिफाइड, एंड इफ एनीथिंग यू वॉन्ट टू नो कॉमेंट मी, आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।